कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस एरुकेरिया प्लांट के बारे में बात करेंगे, जिसे क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। ये बेस्ट प्लांट है रेनी सीजन में अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। अगर आपने अभी तक इसे अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है, तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसके गमले की बात करें, तो आप जब भी नर्सरी से ये प्लांट लेकर आएँ, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप इसे बड़े गमले में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप इसे छोटे गमले में लगाएं, या छोटे से प्लांट के लिए आप 6 से 7 इंच का गमला ले सकते हैं। इससे बड़ा गमला आप बिल्कुल भी नहीं लें। और जैसे ही आपके प्लांट की ग्रोथ हो, आप इसका गमला चेंज कर सकते हैं 2-3 साल में। इस प्लांट की बात करें, तो जब ये प्लांट आप लेकर आएँ, तो इसकी रूट को ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि अगर आप इसकी मेन रूट निकलती है उसको आप छेड़ देंगे, तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। इसे आप सावधानी पूर्वक गमले में लगाएं। इसकी मिट्टी की बात करें, तो आप इसकी मिट्टी एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है, तो आप इसमें कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाएं। इसमें रेत बिल्कुल भी नहीं मिलाएं, क्योंकि अगर आप चिकनी मिट्टी में रेत मिलाएंगे, तो ये इसमें गांठें बन जाएंगी, जो कि इस प्लांट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप इसके लोकेशन की बात करें, तो आप इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। बस इसे 2-3 घंटे की ब्राइट सनलाइट चाहिए, फिर आप इसे कहीं भी रख कर ग्रो कर सकते हैं। इसमें पानी की बात करें, इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ही पसंद होता है। इसकी मिट्टी में नमी बनी रहे। आप गर्मी में इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर बहुत सारे पौधे रखे हों, या आप एक बाल्टी में पानी भरकर इस प्लांट के पास रख सकते हैं, और ऐसी जगह रखें जहां पर हवा आसानी से क्रॉस हो सके। आप इसे अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं। ये भी इस प्लांट की लोकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस गर्मी में इसकी मिट्टी को बिल्कुल भी सूखने नहीं दें, और इसे आप गर्मी में सुबह शाम पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस प्लांट की बात करें, तो इसे नमी मॉइस्चर बहुत ही पसंद होता है। इस प्लांट में आप प्रॉब्लम की बात करें, तो इस प्लांट में कोई सी भी प्रॉब्लम अधिकतर नहीं होती है। बस इसमें कभी कभी स्पाइडर माइट जो है वो अपने जाले बना लेती है, जिसको कम करने के लिए आप इसमें ठंडे पानी का स्प्रे कर दें या नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस प्लांट की प्रूनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो आप इस प्लांट की प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस प्लांट की आप प्रूनिंग कर देंगे, तो ये दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेगा। इस प्लांट की आप इस टिप को बिल्कुल भी नहीं तोड़े फ्रेंड्स। अगर आप इसकी टिप को आप हटा देते हैं या प्रून कर देते हैं, तो इस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि मेन आप प्लांट यहीं से ग्रोथ स्टार्ट करता है। ये प्लांट फ्रेंड्स आप कटिंग से नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की थी, ये प्लांट्स कटिंग से ग्रो नहीं होता है। आप इसे सीड से उगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप नर्सरी से इसे ला सकते हैं। और इस प्लांट में एक जो प्रॉब्लम होती है, कि इसकी पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके अलावा इसमें कोई सी प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर आपके नीचे की पत्तियां ब्राउन हो गई हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से, जैसे ये देखिए, हमारा यहाँ पास ब्राउन हो गया था, हमने इसे यहाँ से हटा दिया है।
आप भी इसे ऐसे नीचे से हटा दें और रेगुलरली इसे पानी का स्प्रे करें, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्योंकि गर्मियों में अगर इस प्लांट में मॉइस्चर कम होने लगता है तो इसकी इसकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। और फ्रेंड्स, इसे ये जब प्लांट छोटा होता है तो इसकी ग्रोथ है जल्दी होती है, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इस प्लांट की ग्रोथ थोड़ा कम हो जाती है। वैसे ये प्लांट अगर आप लेकर आए हैं नर्सरी से, तो आप इसे गमले में 7 से 8 साल आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास खाली ज़मीन है तो आप वहाँ पर इसे शिफ्ट कर दें, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़मीन अच्छी है। आप इसे गमले में फिर नहीं लगाएं। फ्रेंड्स, आप गर्मी में इसे डायरेक्ट सनलाइट पर ना रखें, क्योंकि इसकी पत्तियां ऐसे ब्राउन होने लगती हैं। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें कुछ खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप इसे फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें कंपोस्ट दे सकते हैं, या आप केले के छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं, वो भी इस प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।